हाय गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ बिना प्याज टमाटर के इतना बढ़िया चिकन जिसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आने वाला है। अगर आप जल्दी और टेस्टी खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की रेसिपी है दही चिकन। 1 kg चिकन लिया है जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर लेना है लहसुन और अदरक। तो आज के चिकन में पूरा खेल ये दो चीज़ों का ही है। यहाँ पर मैंने 4 bunch लहसुन के लिए हैं। अगर आप ग्राम के हिसाब से जाएंगे तो 50 ग्राम लहसुन है और 25 ग्राम मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। मतलब जितना हम लहसुन लेंगे उसका आधा हमको अदरक लेना है। तो अब मैं यहाँ पर लहसुन और अदरक को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लूँगी, उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए। तो ये बन गया है हमारा लहसुन अदरक का बहुत ही बढ़िया पेस्ट। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 2 बड़े चम्मच तेल के लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी हमको अदरक लहसुन को अच्छे से भूनना है। इसको भूनने में कम से कम आपको 2 मिनट लग सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। और चिकन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करना है कि अदरक लहसुन पूरा अच्छे से लटपट हो जाए, ताकि पूरा जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आ जाना चाहिए। और अभी हमको फुल गैस पर चिकन को भूनना है ताकि लहसुन अदरक की में बिल्कुल कच्चापन ना रह जाए। तो अभी आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है और लहसुन अदरक भी पूरा पक गया है। अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी दही की डाल रही हूँ। ये दही 250 ग्राम के लगभग यहाँ दही है। दही आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, खट्टा दही हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं चिकन को और दही को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जैसे ही हम दही इसमें डालते हैं तो दही अपना जो है पानी यहाँ पे छोड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बिल्कुल भी पानी, इस चिकन को बनाने में पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। अभी इस स्टेज पर हमको नमक ऐड करना है। नमक मैं अपने अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार जिस आप क्वांटिटी में बना रहे हैं चिकन आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फुल गैस पर कम से कम यहाँ पर चिकन को 5 से 7 मिनट तक पकाया है। और यहाँ पर अभी 50% ये दही का पानी सूख गया है, तब हमको यहाँ पर लाल मिर्च ऐड करनी है। लाल मिर्च ऐड करने के बाद हमने चिकन को सिम पर सिर्फ 2 मिनट तक पकाया है। अभी आप देख सकते हैं चिकन ने एकदम से तेल छोड़ दिया है और बहुत ही मज़ेदार चिकन नज़र आ रहा है। एकदम लग रहा है ना कि अभी खाना शुरू कर दें। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी चिकन की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए और बहुत ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।